सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आगामी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। सर, आप निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जो समर्थन मिल रहा है आपको यहाँ के मतदाताओं का, जनता का, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप देख रहे हैं कितना प्यार, कितना सम्मान मोदी जी के प्रति है। जब हम बात करते हैं देश की, जब हम बात करते हैं भारत की, तो लोगों का मोदी जी के प्रति कितना प्यार और सम्मान है, वो समझ रहा हूँ। आप भी देख रहे हैं, स्वयं भी देख रहे हैं। और इस बार जो नारा है हमारा, इस बार 400 पार, उस 400 पार के नारों के हम लोग इबारत लिखेगा। आज जो संकल्पित भारत का हमारा सपना है, जो विकसित भारत का हमारा सपना है कि देश विकसित बनेगा, विकासशील नहीं, विकसित भारत की श्रेणी में हम होंगे, आज उस तरफ हम अग्रसर। सर, जयंती टैक्स की बात आपने की अपने पिछले संबोधन में, जरा दर्शकों को बताएं कि प्रधानमंत्री, हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं प्रधानमंत्री वर्तमान दिनों में, क्या जयंती टैक्स का पूरा था? देखिये, आप भी जानते हैं, कांग्रेस की एक नेता थी और मैं जिस मंत्रालय में गया था, पर्यावरण मंत्रालय में, वहाँ मशहूर था कि किस तरह से कांग्रेस के राज्य में भ्रष्टाचार तक डूबे हुए थे सभी लोग, नब से लेकर, आकाश से लेकर, पाताल से लेकर, सब तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला था। देश में एक ऐसा वातावरण था, लोग राजनीतिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करना लोगों ने कम कर दिया था, युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता था, जिधर देखो भ्रष्टाचार था, ये भ्रष्टाचार का एक रूप था। बहुत धन्यवाद।